वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का नया क्रेडिट कार्ड अभी भी लिया है तो आपके लिए बिलिंग साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय चांस अगर आप गलती से भी अपना बिल ड्यू डेट मिस कर लेते हैं, आपने जो भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को स्पेंड किया है उसका रीपेमेंट करने में अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो आपको 40% से भी अबव पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग सकता है। तो इसीलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल को समझिए, स्टेटमेंट डेट क्या होता है, बिल डेट क्या होता है, बिल ड्यू डेट क्या होता है। और बहुत सारे लोग तो इस बात से कंफ्यूजन है कि हमारा अनबिल्ड अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों होता है। तो गाइस, टोटल कंफ्यूजन आपका दूर होगा, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट डेट होती है। अगर हमें अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट पता है तो हम अपने क्रेडिट कार्ड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और जो भी उसकी बिल ड्यू डेट है उस डेट को हम अपना बिल पे कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट डेट को देखने के लिए आप आई मोबाइल ऐप को लॉग इन कर सकते हैं। आई मोबाइल ऐप को आप लॉग इन करेंगे तो साइड में आपको स्क्रॉल करना है और आपको क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा। उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है, आपका स्टेटमेंट डेट, ड्यू डेट, ये सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। या फिर आपका जब भी क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है, जिस डेट को आपका बिल जनरेट हुआ होगा उसी डेट को आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक मेल सेंड किया जाता है आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की ओर से, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई ना कोई पेमेंट खर्च किया होगा, उसी पेमेंट का आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करके इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको ये बिल है वो ड्यू डेट से पहले पहले पे करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपके ईमेल पर मेल रिसीव होगा तो आपको इस टाइप से मेंशन रहेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं मेल में आपको एक पीडीएफ अटैच होती है, पीडीएफ है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट है, तो इसका पासवर्ड आपको अपने ही नाम से बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी नेम है उस नेम के स्मॉल लेटर आपको पहले के 4 स्मॉल लेटर लेने हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एग्जाम्पल को आप देखकर अपना पासवर्ड है वो क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने जो ईमेल के साथ में पीडीएफ अटैच है उसको आपको डाउनलोड करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इसके डाउन में आपको अपना नेम एंड एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड है जो हमने सिक्योरिटी के अगेंस्ट हमने लिया था। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट डेट आपको देखने को मिलेगी 14 सितंबर 2022। तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड की बिल डेट है, इसी डेट को, हर महीने की इसी डेट को हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट होगा। बिल जनरेट होने के बाद में हमें एक टाइमिंग पीरियड दिया जाता है, यानी कि 14 डेट से लेके 2 अक्टूबर तक हमें एक टाइमिंग पीरियड दिया जाएगा। 2 अक्टूबर से पहले पहले हमारा जो भी जनरेटेड बिल है वो हमें पे करना जरूरी है। बाय चांस अगर हम 2 तारीख से थोड़े भी डिले हो जाते हैं तो जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उस पर हमें 40% से भी अबव चार्जेस देने हो सकते हैं, जो पर एनम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो गाइस, जो भी आपका बिल ड्यू डेट है, पेमेंट ड्यू डेट है, उस डेट से पहले पहले ही आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जरूर पे करें और अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखें और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी मेंटेन रहे। और यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट ड्यू, यानी कि इतना अमाउंट हमने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है तो इसका बिल जनरेट होके हमारे पास में आ गया है। जैसा कि इसके जस्ट डाउन में आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो आखिर ये है क्या, काफी लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो गाइस, मिनिमम अमाउंट को अगर आप पे करते हैं तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा उस पर आपको चार्जेस देने होंगे। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर हम 400 को पे करते हैं 40% से भी अबव जो पर एनम के अकॉर्डिंग होता है ये चार्जेस पे करना होगा। अब गाइस, एक कंफ्यूजन काफी लोगों के मन में रहता है कि आखिर अनबिल्ड अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों होता है।
तो गाइस जो भी आप स्टेटमेंट डेट के बाद में शॉपिंग करते हैं वो हमेशा अनबिल्ड अमाउंट में इंक्लूड होता है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट आती है तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।